क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सौरव गांगुली जब से बीसीसीआई अध्यक्ष बने हैं तब से कई बड़े फैसले ले रहे हैं और उन्हीं में से एक फैसला है राष्ट्रीय चयन समिति को बदलना। अब एमएसके प्रसाद और उसकी टीम को बदला जाना तो तय है और गांगुली ने इसका ऐलान भी कर दिया था, लेकिन इस बीच कोलकाता में एमएसके प्रसाद की टीम को धक्के मारकर ड्रेसिंग रूम से बाहर कर दिया गया और साफ साफ ऐलान कर दिया गया कि प्रसाद और उसकी टीम को आसपास फटकने भी मत देना। अब कैसे भी प्रसाद की बड़ी बेइज्जती और गांगुली किसे बनाएंगे नया हेड चयनकर्ता, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें कि एमएसके प्रसाद कितने काबिल थे चयनकर्ता के तौर पर। तो सौरव गांगुली ने आते ही अपने इरादे जता दिए थे और सबसे बड़ा और पहला बयान उन्होंने चयनकर्ताओं को ही लेकर दिया था और कहा था कि इनका वक्त पूरा हो चुका है और इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब इस बीच एमएसके प्रसाद और उनकी टीम ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का चयन भी किया और ये चयन उनका आखिरी चयन भी कहा गया, यानी अब अगली न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नए चयनकर्ता टीम का चयन करेंगे। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच कोलकाता में रणजी मैच चल रहा था और प्रसाद की टीम के ही राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी मैच देखने वहां पहुंच गए। अब देवांग गांधी मैच देखने पहुंचे ये तो ठीक था, लेकिन जब खराब रोशनी के चलते मैच रुका हुआ था तो देवांग गांधी बंगाल की टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, जिस पर बवाल हो गया। बंगाल के खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मनोज तिवारी ने देवांग गांधी के वहां पर पहुंचने पर विरोध कर दिया और इसकी खबर सौरव गांगुली को भी लग गई। तुरंत ही आदेश आ गया कि देवांग गांधी को ड्रेसिंग रूम से बाहर किया जाए। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी सोमन कर्माकर ने तुरंत ही देवांग गांधी को बाहर जाने को कह दिया। वैसे तो मैच के दौरान किसी भी बाहरी को ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत नहीं होती, मगर मैच के बाद चयनकर्ता और बीसीसीआई के अन्य अधिकारी ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं, मगर यहां पर चयनकर्ता को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब माना जा रहा है कि प्रसाद और उसकी टीम में शामिल देवांग गांधी का कार्यकाल खत्म हो गया है और इसीलिए गांगुली के आदेश पर उन्हें बाहर करवा दिया गया, यानी दोनों को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। अब वहीं नई चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप वेंगसरकर का नाम सामने आ रहा है और जल्द ही उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें।